आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पर आधारित एक उदाहरण हल किया था। आज इस वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ मजेदार उदाहरण देखेंगे। थॉमस, तुमने इस डिब्बे को कितने सुंदर कागज से सजाया है। हाँ मानस, मैंने पहले इस घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया और फिर मैंने उस क्षेत्रफल के कागज को काटकर डिब्बे को सजाया है। दोस्तों, यदि थॉमस के डिब्बे के भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो क्या आप इस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया ज्ञात कर सकते हैं? स्वयं प्रयास करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। अरे वाह दोस्तों, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। थॉमस के घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुणा लंबाई वर्ग बराबर 4 गुणा 12 वर्ग मतलब 576 वर्ग सेंटीमीटर है। थॉमस, क्या तुम जानते हो कि हम तुम्हारे डिब्बे की इन फलकों को ढकने के बजाय इसी कागज का उपयोग करके डिब्बे की अभिमुखता बदलकर भी उसे सजा सकते हैं और हमें अधिक कागज की भी आवश्यकता नहीं होगी। ये कैसे संभव है मानस? चलो मैं तुम्हें गणित के द्वारा ये बात समझाऊं। ये गणित का समय है। देखो थॉमस, अभी तुम्हारे डिब्बे की अभिमुखता इस प्रकार है। यदि मैं इसे इस तरह से घुमा दूं तो तुम्हारे डिब्बे की अभिमुखता बदल गई है, मानते हो? हाँ। अब क्या तुम इस घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ढूंढ सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, ये सभी फलके वर्गाकार हैं और सर्वांग सम भी हैं। इसका मतलब इस अभिमुखता में भी डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4L वर्ग ही होगा, जहां L डिब्बे की भुजाओं की लंबाई है और डिब्बे की भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबी हैं। इसका मतलब डिब्बे की इस अभिमुखता में भी इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 576 वर्ग सेंटीमीटर ही होगा। अब क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो गया थॉमस? हाँ मानस, अब मैं तुम्हारी बात समझ गया कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया उसकी अभिमुखता के बदलने पर भी बिल्कुल समान ही रहता है। देर आए दुरुस्त आए, चलो अब हम अपनी दुनिया में लौट चले। थॉमस ने मानस को उसे ये बात समझाने के लिए वो डिब्बा उपहार में दे दिया। दोस्तों, इस वीडियो में हमने घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पर आधारित एक मजेदार उदाहरण को देखा। तो उम्मीद है कि अब आपको घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की अच्छी समझ हो गई होगी।